बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं कई दफ़ा पहले सोचा है कि मैं बात करूंगा। उसका नाम है द मॉडर्नाइजेशन इज़ अ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि आजकल हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना मशीनी बना लिया है कि हर वक्त कोई ना कोई डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव, इसी तरह टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट। लेकिन अगर आप इसके साइड इफेक्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना नुकसान देती हैं ये चीज़ें। आज क्या होता है कि हमने किसी एड्रेस पे जाना होता है तो हम जीपीएस लगा लेते हैं। हमने कोई गेम खेलनी होती है तो घर पे वो कंप्यूटर पे और टेलीफोन पे खेलते हैं, फिजिकली मैदानों के अंदर नहीं जाते। उससे ये हुआ है कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो मैकेनिकल हो गई है, रिपोर्ट की तरह हो गई है। क्योंकि जो अल्लाह का निजाम है, जो कुदरत का निजाम है, नेचर का निजाम है, वो बड़ा सिंपल है और बड़ा ऑर्गेनिक है। तो अगर हम अपनी जिंदगी को इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन एक एक्सटेंट था, इनको हम इनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। एंड आई थिंक हमें अपने बच्चों को खास तौर पे फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेके जाना चाहिए। मैदान हमारे भरे हों, खेले हों, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो आप यकीन माने, आप जरा देखें आपकी जिंदगी में जितनी डिजीजेज आ रही हैं, ये जितने जिसको आप 5G प्लान कहते हैं, या आप कहते हैं ये कोरोना है, या XYZ है, या ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो सोचिए जरा, आई थिंक हमें इन मशीनों पे डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि मैनुअली जिंदगी गुजारनी है, ताकि हमें हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हम अल्लाह की इस कायनात को, इस खूबसूरतियों को एंजॉय कर सके। थिंक अबाउट इट, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया।